भारत में कोविड-19 के द्वितीय चक्र में अस्पतालों में इमरजेंसी ट्रीटमेंट को लेकर WHO के सर्वे में मऊ का शारदा नारायण हॉस्पिटल चयनित हुआ है। WHO यह अध्ययन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है। WHO भारत के 15 हॉस्पिटलों का चयन किया है, उसमें यूपी का एकमात्र हॉस्पिटल शारदा नारायण शामिल हुआ है। जो अन्य 14 अस्पताल हैं वह देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल हैं, जैसे महिपाल, रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल, नारायणा, मेदांता, अपोलो, फोर्टिज जैसे कई प्रतिष्ठित अस्पताल हैं। शारदा नारायण अस्पताल के चयन पर यहां की डॉक्टरों की टीम में काफ़ी खुशी है और यहां के डॉक्टर सुजीत सिंह बताते हैं कि कोविड के संबंध में WHO की एक रिसर्च और स्टडी शुरू की जा रही है अगले महीने से, और वो कोविड से संबंधित कि क्या उसका प्रीवेलेंस है और क्या मॉर्टेलिटी है डिफरेंट एज ग्रुपेज में, और कैसे पेशेंट किस लेवल पे आते हैं और उनकी सीवियरिटी क्या होती है, ये सब सारी चीज़ों को लेके वो एक रिसर्च इंडिया में करना चाहते हैं, एक स्टडीज करना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया से, पैन इंडिया से 15 हॉस्पिटल का उन्होंने सिलेक्ट किया है, और उसमें से हमारे यूपी से, पूरे यूपी से हमारा एक हॉस्पिटल चुना गया जो शारदा नारायण हॉस्पिटल मऊ है, और जिसकी हम लोग ये ट्रेनिंग अगले महीने शुरू होगी और नेक्स्ट मंथ से इसका जो स्टडीज़ है वो शुरू हो जाएगी। लगभग 2 महीने ये स्टडी चलेगी, उसके बाद इसका रिसर्च पेपर पब्लिश होगा। सर, वो 15 अस्पताल कौन है बड़े जो कि 15 अस्पताल ये पूरे इंडिया के अस्पताल हैं, जिसमें मणिपाल हॉस्पिटल है, रिलायंस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई है, नारायणा हॉस्पिटल बहुत ही मशहूर बेंगलोर का हॉस्पिटल है, और अपोलो हॉस्पिटल है, अनंतपुरी हॉस्पिटल त्रिवेंद्रम है, शारदा नारायण हॉस्पिटल मऊ का है, और नारायण मेडिकल कॉलेज है नेल्लोर का, CMC वेल्लोर मेडिकल कॉलेज है वेल्लोर में, और इसके अलावा किस अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है वेल्लोर का और बेंगलोर का। सर, इस तरह से 15 हॉस्पिटल हैं। क्या वजह लग रही है इतने छोटे शहर के अस्पताल को चुना गया? हाँ, इसके पीछे कारण ये था कि जैसे हम लोग के जो कोविड में जो हम लोग के पेशेंट आते थे, तो कैसे आते थे, उन लोगों का कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, और उसकी सारी डाटा हम लोग सबसे मांगा जाता था, तो वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि इतने छोटे शहर में इस लेवल का काम कर रहे हैं और काफ़ी मॉर्टेलिटी रेट हम लोग की हॉस्पिटल की कम थी, तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए, हम लोग के कामों को देखते हुए उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया, उनकी टीम ने हम लोग को रिकग्नाइज़ किया और हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनके रिसर्च में उनके पार्टिसिपेशन। सर, इस कितने मरीजों का इलाज हुआ कोविड संबंध में इस पूरे आपदा के दौर में? जी, कितने मरीज कोविड के आए आपदा के दौर में? आप लगभग 2000 से ऊपर मरीज आए आपके? पूर्व नौकर शाह व PM मोदी।